कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते 3 दिन के तेलंगाना के दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे राहुल गांधी ने विजय भेरी यात्रा में हिस्सा लिया है। वहीं यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। दुकानदारों की जेब से GST निकलती है और अडानी की जेब में चली जाती है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना कराना बेहद जरूरी है। इससे पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है और किसके पास हिंदुस्तान का कितना धन है। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि देश में कितने दलित, OBC, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोग हैं और किसकी कितनी भागीदारी है। ये देश के एक्सरे करने जैसा है और इससे यह भी मालूम होगा कि देश का धन कैसे बांटा जा रहा है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे एक और बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस का मुद्दा है। कास्ट सेंसस देश को दिखाएगा कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। जैसे किसी को चोट लगती है तो पहला काम करते हैं, एक्सरे करते हैं, पता लगाते हैं कि हड्डी टूटी है कैसी टूटी है।